मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तख्तपुर ब्लॉक के गनियारी में प्रदेश के पहले आजीविका आंगन मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया। गनियारी स्थित आजीविका आंगन 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी लागत करीब 3,68,00,000 रुपए है। गनियारी मल्टी एक्टिविटी सेंटर में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। आंतरिक और बाह्य गतिविधियों में लगभग 650 महिलाएं काम कर रही हैं। समूह की महिलाओं द्वारा पिछले 20 दिन में लगभग 57,00,000 रुपए से अधिक उत्पाद कर विक्रय किया जा चुका है, जिसमें से महिलाओं को 20,00,000 रुपए से अधिक का लाभांश से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर उन्होंने डोम के अंदर सिलाई मशीन प्रशिक्षण, गृहवेश निर्माण, जूट बैग निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, एलईडी बल्ब निर्माण, कांच की चूड़ी निर्माण, सैनिटरी पैड निर्माण का अवलोकन किया। श्री बघेल ने ई रिक्शे में बैठकर डोम के बाहर संचालित गतिविधियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने डोम के बाहर महिलाओं के द्वारा पेपर ब्लॉक, फ्लाई एस बॉक्स निर्माण, सीमेंट पोल निर्माण और चैन लिंक फेंसिंग निर्माण का भी निरीक्षण किया। रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार आजीविका आंगन का निर्माण कार्य अगस्त 2018 में शुरू किया गया था। ये सेंटर रिकॉर्ड समय में 1 साल में ही बनकर तैयार हो गया। आजीविका आंगना को कार्य के हिसाब से 2 भागों में विभाजित किया गया है। ड्रोम के अंदर आंतरिक एव डोम के बाहर बाहरी गतिविधियों में महिलाएं विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। महिलाओं को मिल रहा है 5 रुपए में भरपेट भोजन। आजीविका आंगन में आने वाली महिलाओं को घर से खाना लाकर आने की चिंता नहीं होती है। उन्हें इसी परिसर में श्रमिक अन्न सहायता केंद्र में 5 रुपए में भरपेट भोजन प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सामग्री वितरण भी किया। गनियारी में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 200 महिलाओं को सुरक्षा उपकरण, 100 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण किए, 100 महिलाओं को साइकिल वितरण भी की गई, जबकि 5 महिलाओं को ई रिक्शे का वितरण किया गया। सबले पहली हरियाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, सबले शुभकामना। आज में उपस्थित आदरणीय शशि सिंह जी, आदरणीय शैलेश पांडे जी, विधायक साथी भाई राजेश जी, आदरणीय आर पी मंडल साहब, प्रशिक्षक मन और जे मन प्रशिक्षण ले सबू बहनी मन और साथ ही जे मन ले कसे रोजगार मिली सबू मन ले बहुत बहुत बधाई। हमारे गांव के सब भाई बहनी मन ले बधाई और शुभकामना देते हुए आज सावन के महीना है, भोले भंडारी के महीना, जब जब शंकर भगवान ल जाके पानी चढ़ाता और उसके बाद हरेली तिहार, आज सबों के घर में जब तक हमारे कृषि औजार है उत्तर मन की पूजा और तिला और गुलगुल भजिया सब घर बने हुई पेटी खुद में तक बनाते, लड़का मन गिड़ी चढ़ते, बेटी मई मन बरफ सब जब तक घर है पीपर है तीन पेड़ में झूला बदना चाहिए। हमारे पुराना खेल जो कबड्डी है, खो खो है, ओकरों मन के आयोजन अगर गांव गांव में हुआ थे एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथ ही गांधी जी के 185वीं वर्षगांठ और गांधी जी स्वावलंबन पर जोर दे रही थे। गांधी जी यू बात कह रही थे कि भारत गांव में बसते, भारत के आत्मा गांव हरे और गांव ले स्वच्छ भी बनाना है और स्वावलंबी भी बनाना है। जो रोजगार है तो हमारे गांव में मिलना चाहिए, कृषि उत्पाद के कीमत मिलना चाहिए, मजदूर मन ल काम मिलना चाहिए, बेरोजगार मन ल भी रोजगार मिलना चाहिए। हमारे बहनी मन अपन पैर में खड़ा हो
वो दिशा में काम हमारा करना है। तो आज गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ में मैं समझता हूँ सबसे बड़े उपहार सरकार के द्वारा हमें 600 से अधिक ट्रेनिंग मिल रहे, रोजगार मिले हैं, ट्रेनिंग दे के काम भी हुई और यह जिन चीज में बंद थे हमारे उत्पादन होते लाभ गर्मी लगा तक उत्पादन लगते होते खूब बढ़िया सील के दे है। बहुत बधाई दे रहा हूँ बहनी मल्लक। सूर्य प्रकाश से अगरबत्ती बनाए के काम है, बेग बनाए काम है, सैनिटरी के बात है। आज हमार लड़का मन है लड़की मन कपड़ा का उपयोग करते बहुत प्रकार के बीमारी हो जाते, सैनिटरी निक्विन का उपयोग होना चाहिए। एक से न केवल रोजगार मिला थे बल्कि स्वास्थ्य पर बहुत जरूरी जिन्हें हो रहा है कि चालू नहीं है, है चालू नहीं, कहाँ मजा आ रहा है, नीचे क्यों तो आवाज़ नहीं आ रहा है भैया, थोड़ा जोर से इधर इधर क्या दिखा रहा था बस बनाने ऊपर गांव का गाड़ी का व्यवस्था नई दिशा दिन मुख्यमंत्री जी एक सवाल है, 8 लाख से अंदर के लाख है वो बाहर दूसरे को नहीं जाता था, वहाँ से आती थी उसको हम लोग हमारी अब हमारी छत्तीसगढ़ की जो दीपियाँ हैं बहुत खुशियाँ मना रही थी मेरे पति से भी उन्होंने भेंट किया। एक सवाल है, एक बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गेड़ी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, किस्मत से गेड़ी किस्मत से आएगा और 15 साल उनको मौका मिला कुछ तो कर नहीं पाए छत्तीसगढ़ की पहचान। आज छत्तीसगढ़ की पहचान जो हमारी पहला त्यौहार है बरेली उसकी शुरुआत हुई है, गेड़ी के लिए मत की जरूरत है। आज ये लोग रमा सिंह बार बार पूछते हैं, हम लोग नारा देते हैं छत्तीसगढ़ के चार चिनारी नरवा गरवा गुरुआ बारी मेला बचाना है सोमवारी, कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा सोमवारी करना उसको हम बताए सारे विभाग से विचरण करके सीएम साहब उनको नुकसान नहीं हो पाया अभी तक गाँव को जोड़ने वाली बात भाजपा के नेता वित्तीय संकट मुख्यमंत्री जी हरेली से उनको दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि मद और पैसे की बात क्यों आ रही है? हरेली त्यौहार परंपरा से चला रहे सैकड़ों हजारों साल से लोग मना रहे हैं, हमने तो शासन की ओर से इसको छुट्टी घोषित किया है, जो त्यौहार हम सबका है उसे सरकार के द्वारा लोग हैं अपने आप को सम्मानित छत्तीसगढ़ को लेकर पूरे पूरे किसान जो है आपसे इस सवाल को देखिए एक मिनट के लिए आप सब बिलासपुर के सम्मानित नागरिक पत्रकार ही नहीं है, अभी यदि सीमांकन सीमा बढ़ाने के लिए भी करो तो फिर वो जो प्रोसेस है उसमें समय लगेगा, चुनाव विलम्ब होगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यदि पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बिलासपुर के मतदाताओं से मैं जानना चाहता हूँ यदि उसके लिए तैयार हैं तो मैं निश्चित रूप से सीमा को बढ़ाने के लिए फसल बीमा की तिथि खत्म हो जाए कुछ किसानों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया किसान कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री जी नमस्कार।